चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की, जहां बाणगंगा पुलिस ने धोखाधड़ी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र में पीड़ित ने शिकायत की थी कि उसे इन्वेस्ट करने के नाम पर 56 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने फर्जी गुडविल और वेयर एडवाइजरी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। दो आरोपियों विनायक सौरभ और मयूर को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरोह की मुख्य सरगना महिला मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाशी की जा रही है। थाना बाणगंगा क्षेत्र में भी कुछ फरियादियों के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर और अधिक मात्रा में ब्याज के नाम पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करवाए गए थे और बाद में कुछ समय तक उनके द्वारा पैसे उनको दिए गए और उसके बाद उनको पैसे लौटाने से मना कर दिया गया। इस पर जो आवेदकों ने शिकायत की थी उसकी जाँच की गई और ये पाया गया कि जो ये फर्जी एडवाइजरी कंपनी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करके लगभग 56 लाख रुपये से अधिक की राशि इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया। इसमें कुल 4 आरोपी हैं, इनको पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार कर लिया गया है। एक